में परिवर्तन तो हमेशा होता आया है और ये प्रकृति का नियम है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि परिवर्तन से हमारा लाभ हुआ है या हम कहीं और दिशा भूल गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही दिशा ठीक रखने का जिम्मा लिया है। हमारे सारे कंपोजर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत होशियार हैं। बस इतना है कि मैंने सुना है कि उनको कहा जाता है कि इस तरह के गाने हमें दीजिए, तो मैं उन लोगों में हूँ जो इस शेर से आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी तुझसे हर एक सांस में समझौता करें, जिंदगी तुझसे हर एक सांस में समझौता करें, शौक जीने का हमें है मगर इतना भी नहीं। तो समझौता करके काम करना ज़रूरी नहीं है। आप कन्विंस करना सीखिए, अपनी बात मनवाना जानिए, उसमें कोई तर्क हो और लोगों को हजम हो जाए। तो मैंने जब से ज्वाइन किया इंडस्ट्री को, तब से लेके आज तक ईश्वर की कृपा ये है कि मुड़ के नहीं देखा पीछे। हाँ, पीछे मुड़ के उन सुहानी यादों को ज़रूर देखा जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो या कलकत्ता हो। तो दोस्तों, वो अलग बात है। थोड़ा मैं यही कहूँगा कि हमको अपना हेरिटेज, अपनी संस्कृति, उसको संभाल के ज़रूर रखना चाहिए। हम परिवर्तन चाहे जैसा कर ले, टेक्निकली हम सुपर हो गए हैं लेकिन आत्मा कहीं हमारी मिस हो रही है। और जन्मदिन के खास मौके पर इतना अच्छा तोहफा दिया है सारा आर्टिस्ट ने, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेरे अंग हैं, सब मेरी ताकत हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरे सब मेरे बहुत अभिन्न अंग हैं और रात दिन साथ में काम करते हैं, चोली दामन की तरह साथ रहते हैं। यहाँ पे सन्मुखानंद में आज कई दिन के बाद, कई सालों के बाद मेरा परफॉर्मेंस हुआ है और मैं गोप जी इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा उसके लिए। और जन्मदिन तो जन्म लेना और शादी होना और दुनिया से जाना, ये तीनों चीज़ें निर्धारित हैं, हमें पता नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि